अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ड्राइंग बताऊंगी, साथ ही थोड़ी सी पेंटिंग बताऊंगी। और आज के वीडियो में आप सीखेंगे दो कलर में ड्राई शेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में आगे बताती रहूँगी, इससे पहले आप ड्राइंग समझें कि किस तरह से हमें ड्राइंग करनी चाहिए, कि हम अगर हमें डिज़ाइन बनानी है तो बड़ी डिज़ाइन बनाएं तो उसको किस तरह से बनाएं, अगर उसको कोई शेप देना है तो किस तरह से बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग की जानकारी दूंगी और थोड़ी सी पेंटिंग भी बना के बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेडशीट का बीच का पार्ट है। जब हम फोल्ड करते हैं तो एक तरफ हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो पार्ट है जहाँ से हमने मतलब आपको निशान दिखा दिया है कि ये हमारे बीच का पार्ट है। और ये आप कुछ देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर हार्ट शेप यानी कि हार्ट का शेप बना हुआ है। देखिए यहाँ से एक तरफ इस तरह से हम हार्ट का शेप दे लेंगे और ये काफ़ी अच्छे से बन जाता है, बहुत इजीली आप इसे बना पाएंगे। देखिए पूरे हमारे जहाँ बेडशीट फोल्ड, हमारी बेडशीट फोल्ड ही रहेगी तभी हमें ये शेप दे लेना है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। फिर इसी बेडशीट को मतलब जो बेडशीट है उसको खोल के दूसरी तरफ मतलब फोल्ड कर देंगे, जिस तरफ हमने ड्रॉ किया है उसी तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से जब आप उसको मतलब हाथ से दबाकर मतलब उसको थोड़ा सा रफ करके आपको एक तरफ जो हमने ड्रॉ किया है दूसरी तरफ भी उसको कन्वर्ट कर लें, आपको थोड़ी थोड़ी लाइनिंग दिखेगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, हल्की सी लाइनिंग दिखेंगी। तो उसको आप डार्क कर लें, इस तरह से दोनों तरफ हमारी डिज़ाइन आ जाएगी और हमारा जो हार्ट का शेप है वो पूरा तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा हार्ट शेप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हार्ट शेप बनाया हुआ, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि बेडशीट बहुत बड़ी है और अकेले वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपको समझा दूंगी, किसी पेपर पे अभी समझा दूंगी ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है? तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ी भी वीडियो स्किप ना करें क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है और आप के सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी वीडियो मिस करेंगे जिसमें जानकारियाँ हैं तो आपको मतलब वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने हार्ट शेप तैयार किया हुआ है और इस पर हम डिज़ाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। डिज़ाइन हमें एक साइड करना, वो जब मैं आपको पेपर पे समझाऊँगी अभी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। अभी तो ये बड़ा शेप है तो इसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल सी बेसिक डिज़ाइन हमने इस पर तैयार की है कि कोई भी अगर बिगिनर्स है तो वो भी ईजिली बना पाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने पहले तो ट्रेस पेपर लिया हुआ है और हमने बिल्कुल हार्ट शेप का ट्रेस पेपर तैयार किया हुआ है। आड़ा टेढ़ा ज़रूर है लेकिन हार्ट शेप में मैंने हाफ पार्ट तैयार किया हुआ है जिस पे मैं डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट बेडशीट पर डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए हमने ट्रेस पेपर लिया हुआ है। तो आप भी अगर पहले बेडशीट ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेस पेपर को हार्ट शेप में ज्वाइन किया है। अगर आपको इस तरह से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ा बड़ा ट्रेस पेपर जिस तरह से रहता है उसी को लंबा सा ज्वाइन कर लें और उस पर हाफ शेप डिज़ाइन बना लें। ये मैं पेपर मेरे पास कम था और इसके लिए मैंने इतने में ही बना लिया, और इसके लिए मार्केट जाना होगा मुझे, इसके लिए जाने के लिए मैंने इतने में ही बना लिया है। और ये देखिए डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, बेसिक डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन हमने तैयार की है। उनको जो जिन्होंने ऑर्डर दिया है बेडशीट बनाने के लिए तो उन्होंने ये डिज़ाइन पसंद की है, तो मैं इस डिज़ाइन को आपको जो है करके बताऊँगी किस तरह से करना है। देखिए एक मतलब खुलता हुआ फ्लावर है, एक कली टाइप है और एक बिल्कुल खिला हुआ फ्लावर है। तो इसमें तीन तरह के मतलब कली और खिलता हुआ फ्लावर, पूरा फ्लावर है। तो यहाँ पे देखिए हम किसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए बीच की लाइन जहाँ से हमने हार्ट शेप दिया है हाफ साइड का, तो हमें जो भी हमारी लाइनिंग है फ्लावर को हमें उसके साइड में ही रखना है, इधर नहीं रखना है क्योंकि जब हमारी डिज़ाइन फोल्ड होगी तो बिल्कुल एक तरफ आनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए। तो एक तरफ हमारी डिज़ाइन, जिस तरफ हाफ शेप में हम डिज़ाइन को तैयार करेंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ट्रेस पेपर पे बना रही हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले बेडशीट पे बनाएं और आप इजली भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले पूरा फ्लावर तैयार करेंगे और फ्रेंड्स पूरी ड्राइंग बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी और अकेले मुश्किल होता जाता है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अकेले वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने आपको एक फ्लावर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर फ्लावर है, सिर्फ हमें इसको क्या करना है ऊपर ड्रॉ कर लेना है ट्रेस पेपर पर। हमने कागज़ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे देखिए हमने ट्रेस पेपर पर ड्रॉ कर लिया है और इसी को हम अब हाफ फ्लावर कैसे बनाएंगे, हमें अगर हाफ फ्लावर बनाना है तो अब इसी को हम बताते हैं कि किसे इस तरह हम इसको हाफ फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपने हिसाब से डिज़ाइन को सेट करेंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको।
बहुत मुश्किल होता है अकेले वीडियो शूट करना, मेरे साथ कोई भी नहीं है और इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं आपको दिखाने में। ये देखिए इस तरह से हमने हाफ फ्लावर देखिए उस पर फ्लावर पे एडजस्ट कर दिया है, और देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फ्लावर दिख रहा है। इसको और अच्छे से करेंगे तो हमारा जैसे बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, देखिए हमारा हाफ फ्लावर हो गया। इसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ पे आप लीफ सेट करना चाहें वहाँ पे लीफ सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कली सेट करना चाहें वहाँ पे कली सेट करते हैं। अलग अलग पार्ट में अगर आप डिज़ाइन बना लेंगे तो भी आप एक अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल तो आप तो कहीं से भी खींच सकते हैं, बस लीफ और कली कैसे हमें कहाँ सेट करनी है ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो आपको समझना है कहाँ से आप बनाएंगे कि अच्छी लगेगी। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह से आप डिज़ाइन बड़ी सी तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए हमारा फ्लावर जो हाफ है यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे उतार लेंगे, और बिल्कुल जो हमने आपको बेडशीट का निशान बताया बीच का, बीच के निशान से हमारा एक तरफ डिज़ाइन रहेगी, हमारे निशान के एक तरफ डिज़ाइन रहेगी, यानी कि हाफ शेप हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, हाफ शेप नहीं। और इसी ट्रेस पेपर पे जब हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे तो एक तरफ इधर मतलब जब ड्रॉ कर लेंगे, देखिए हमारे डिज़ाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करके आपको पूरी दिखा दे रही हूँ मैं। तो इस तरह से आप डिज़ाइन अगर तैयार कर लेंगे एक तरफ की, तो इसमें आप क्या करेंगे पूरा सुई से जितनी भी डिज़ाइन है उसमें होल बना लें, और ये भी मैंने बना लिया है होल। आपको पेंटिंग करूँगी बेडशीट तो आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें होल बनाना है। होल बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको मिट्टी के तेल से या फिर आप डीजल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तेल होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए कि हमारा मतलब कपड़े पे रुके ना, वो उड़ जाए, ऐसा ऑयल होना चाहिए। लेकिन और ये नारियल तेल और ये मतलब राई का तेल ये सब नहीं यूज़ करना है, ये सब आपके कपड़े पे लग जाएगा तो नहीं छूटेगा। जो हमारे कपड़े से ऑयल उड़ जाता है उसी को यूज़ करना है। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम डिज़ाइन को मतलब आपको बड़ी डिज़ाइन थी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं छोटी डिज़ाइन बना कर दिखाती हूँ। जैसे कि हमने हमारी ये खुली हुई पूरी बेडशीट है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, और इसको हमने बीच से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर हमारे फोल्ड का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ देखिए इस तरह से कुछ जो है अपना शेप देखिए इस तरह से हमारा जो शेप है वो पूरा आ गया है। ठीक, आपको मैं यही समझा रही थी, जो ये हमारे बेडशीट की बीच की लाइनिंग है यहाँ से हमें हाफ शेप बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से बेडशीट को पूरा खोलेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, जो उस पर हमारा चौक लगा होगा तो वो इस तरफ भी आ जाएगा, यानी कि इसको फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा चौक रहेगा वो इस तरफ भी आ जाएगा, यानी कि हमारी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से इस तरह से हमारी डिजाइन जो है पूरी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें डिजाइन तैयार कहाँ से करनी है, ये हमारी डिजाइन यहाँ से हमारी डिजाइन तैयार करनी है, ऐसे इसी टाइप से हमने आपको बताया है। ये देखिए इस तरह से हमने आपको डिजाइन मतलब बताया है। इस तरह से जो है हमारी डिजाइन देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन जो है यहां तक पूरी हम अपने डिजाइन को यहां से पूरा यहां तक ड्रॉ करेंगे। नीचे कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ है, देखिए इस तरह का नीचे हमारा कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी फ्लावर वगैरह हैं। आपको पूरी डिज़ाइन अगर चाहिए तो आपको पूरी डिज़ाइन भी जो है मिल जाएगी। आप पूरी डिज़ाइन हमारे यहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो आपको पूरी डिज़ाइन मिल सकती है बेडशीट की, अगर आप इसकी पेंटिंग करना चाहते हैं, अगर आपको पेंटिंग आती है, अगर आप डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको पूरी डिज़ाइन हमारे यहाँ मिल जाएगी। आप दिए गए
मतलब वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स दी जाएगी किस तरह से आप डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से हमें डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ से हमारी एक तरफ की डिज़ाइन जब तैयार हो जाएगी, जैसा कि बेडशीट पर आपने इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर ली है, तो क्या करना है, आप जो ट्रेस पेपर ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि जो ट्रेस पेपर आप मतलब जिस ट्रेस पेपर पे आपको उतारना है वो ट्रेस पेपर मतलब आपको बड़ा सा बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपके छोटे छोटे पार्ट रहेंगे ट्रेस पेपर के, जितने भी साइज रहेगी उसकी, उसको ज्वाइन करके आप उतनी साइज दे लें कि आपकी जो डिज़ाइन है उससे एक्स्ट्रा इधर इधर निकलना मतलब इससे ज़्यादा हो। जैसे कि अब हमारी डिज़ाइन इतने में है तो हमारा ट्रेस पेपर इतना रहना चाहिए और इसके अंदर हमारी सारी डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे कि अब ये डिज़ाइन हमारी है, देखिए अब इसको हम जब इस पर ड्रॉ करेंगे आप स्केच से इसको फिर से ड्रॉ कर लें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे यहाँ मतलब बनवाते हैं और उनको लगता है बहुत आसानी से बेडशीट बन जाती है, तो मुश्किल होता है फ्रेंड बनाना, तो मेहनत का पैसा लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बस पैसा हम लेते हैं बनाने का, तो मेहनत करते हैं इसके लिए पैसा लेते हैं। आपको बता रहेंगे, आपको समझ रहा होगा कि कैसे कैसे हम कपड़े पे बनाते हैं, फिर उसको ट्रेस पेपर पे करते हैं, फिर ट्रेस पेपर में सुई से होल करते हैं, फिर उसके बाद उसको कपड़े पे कन्वर्ट करते हैं, फिर तब उसकी पेंटिंग होती है, फिर उसको पैकिंग होती है, फिर उसको पोस्ट करते हैं। बहुत उसमें मेहनत होती है जो मुझे भाग दौड़ करना पड़ता है, और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले ही काम करती हूँ, इसलिए मुझे और भी भारी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन है, यहाँ पे जैसे कि हम इस पर डिज़ाइन कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे तो आपको ट्रेस समझ में आ गया होगा कितना हमें ट्रेस मतलब करना है। जब हमारी डिज़ाइन एक तरफ हो जाएगी इसको हम इसमें होल बना लेंगे। जैसे कि इसमें डिज़ाइन हमने बनाई है, आपको मैं पूरा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आ जाए। ये देखिए, जैसे कि हमने ये डिज़ाइन बना रखी, ठीक, ये डिज़ाइन बना रखी है, ये डिज़ाइन हमने बना रखी। अब इसमें जितनी भी डिज़ाइन है इसको होल कर लेंगे, ठीक। फिर उसको हमें ये समझ लीजिए कि ये हमारी बेडशीट है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे मिट्टी के तेल से, कॉटन से इसको रफ करके निशान हमारी बेडशीट पर लगा रहेगा। फ्रेंड्स, बेडशीट पर हमें पहले निशान लगा लेना है, क्योंकि बेडशीट पर निशान लगाएंगे तभी हमारी डिज़ाइन सही आएगी। तो डिज़ाइन के हिसाब से आप परफेक्ट उसको अच्छे से बैठा लें, जहाँ बेडशीट का निशान रहेगा बिल्कुल वहाँ आप एकदम सेट कर लें, और उसके बाद इसको मिट्टी के तेल से, नील से, जो भी आपके पास है उससे कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फिर यही डिज़ाइन आप जब रफ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि डिज़ाइन आ जाएगी आपकी ना बेडशीट पे। तो आपको क्या करना है, यही डिज़ाइन यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है, इधर सेट कर देना है। फिर इधर जब आपकी डिज़ाइन सेट हो जाएगी तो उसको भी रफ करके कन्वर्ट कर लेना है। तो आपकी ये जो पूरी डिज़ाइन है इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, तो आपकी पूरी डिज़ाइन बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें मतलब बेडशीट पे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आगे की वीडियो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको दो पार्ट में बताऊँगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, और ऑल वाली नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो ऑल लिख के आएगा, उसको आप क्लिक करिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले, आप मेरी हर वीडियो को देख पाएं। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं और उनको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही है। मेरे यहाँ तो बहुत सारे मतलब कॉमेंट्स आ रहे थे सिखाने के लिए, और बहुत लोग मतलब अनजान होंगे कि मैंने पेंटिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो सबको मालूम होगी कि किस तरह से हम सिखाते हैं और किस तरह से उन्हें सीखना चाहिए, मतलब उन्हें भी पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पिलो कवर है, इस पर हमने डिज़ाइन कर रखी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने इस पर भी छोटा सा हार्ट शेप दिया है, बट ये मतलब पेंटिंग करने के बाद आपको ज़्यादा पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे छोटी सी इधर से और ये इधर से। तो हम इसको आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो हमारे कलर है जिससे हम ड्राई शेड बनाएंगे। देखिए, ये लाइट ब्लू कलर है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है लाइट ब्लू, और 239 जिसका नंबर है 239 लाइट ब्लू, ये देखिए आप इस तरह का कुछ है, और ये वाइट है, इसे ड्राई शेड हम बनाएंगे आपको। और ये देखिए, ये कलर है तरकस ब्लू कलर है, ये तरकस ब्लू है 4 to 5, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलता है फ्रेंड्स। ये तरकस ब्लू आप देख सकते हैं,
और 4 to 5 इसका नंबर है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मुझे मिला नहीं। मैंने इस कलर को घर पे बनाया है क्योंकि ये कलर बहुत ही ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप घर पे भी बना सकते हैं इजीली। क्या करना है, आपको ब्लू कलर लेना है, उसमें सेव ग्रीन मिक्स कर देना है थोड़ा सा, आपका जो ये कलर, देखिए ये कलर जो है वो आपका इजीली बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये कलर मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि जो हम ये कलर लगाएंगे और ये कलर लगाएंगे तो हमारा कलर ना थोड़ा लाइट आता है, तो इसको मैं डार्क करने के लिए ली हूँ। तो जब लगाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे इसका मतलब हम यूज़ करेंगे। ये बेडशीट के लिए, मैं आपको ड्राई शेड बता रही हूँ लेकिन ये बेडशीट के लिए थोड़ा सा डार्क उसमें शेड चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। तो पहले मैं आपको ड्राई शेड बताऊंगी, साथ में इसका मतलब यूज़ हम कहाँ करेंगे कि हमारी बेडशीट की खूबसूरती बढ़ जाएगी वो बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है और ये देखिए ये ब्लू है, जिससे हम लीफ बनाएंगे। बहुत इजी तरीके से हम लीफ बनाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगी। 2 नंबर या 3 नंबर का आप ब्रश लें, फ्लैट ब्रश, और जैसे कि मैंने भी लिया है। और पेंटिंग करते हुए टाइम आप इस बात का ध्यान दें कि आप अपने पास पानी ज़रूर रखें और ब्रश को साफ करने के लिए कॉटन का कपड़ा या टिश्यू ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ब्रश को बार बार वॉश करना रहेगा और उसको साफ करना रहेगा, तभी आपके ब्रश अच्छे रहेंगे। नहीं तो आपके ब्रश क्या है, जल्दी से फ्रीजी हो जाएंगे, यानी कि उसमें कलर हमारे जो हैं मतलब एक्स्ट्रा उसमें कलर हमारे जो हैं जम जाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और उससे हमारा ब्रश जो है ख़राब हो जाता है। तो आप पानी अपने पास ज़रूर रखें, उसको ब्रश को हमेशा बार बार वॉश करते रहें, जिससे आपके ब्रश अच्छे रहें और आप आराम से उसकी पेंटिंग कर पाएँ। चलिए मैं आपको पेंटिंग बताती हूँ जल्दी, क्योंकि इसमें मैं 2 कलर से आपको पेंटिंग नहीं बता पाऊँगी, तो इसकी एक पार्ट और बनाऊँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट बेडशीट मिले और आप हमारे डिज़ाइन को भी पूरा देख पाएँ। सीखने के साथ साथ आपको बेडशीट की पूरी डिज़ाइन भी मिलेगी देखने को फ्रेंड्स, तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको डिज़ाइन भी मिले देखने को और सीखने को भी मिल जाए। देखिए हमें कलर को लेना है और कलर को हमें इस तरह से डीप करना है। देखिए इस तरह से हमारा डीप हो गया। अब हमें देखिए कलर को इस तरह से कलर आप लगा ले थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम चाहिए हमें किनारे की कटिंग देने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले ब्रश को देखिए इस तरह से ब्रश को रखेंगे और इस तरह ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर इस तरह से ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से करके इस तरह से गोल शेप दे देंगे हल्का सा घुमाते हुए। देखिए इस तरह से करते हुए इस तरह से गोल शेप दे देंगे, फिर यहाँ से इस तरह से करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऊपर करना है, फिर इस तरह से नीचे कर देना है। हमारी लीफ की जो कटीली जो लीफ है हमारी वो तैयार हो गई फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमारी जो किनारे की लाइनिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें कलर फिल करना है, तो जो फ्लावर का शेप रहेगा पहले उसको हमें इस तरह से शेप दे लेना है नीचे, क्योंकि फ्लावर में हमारा जो है कटिंग आना चाहिए, तभी हमारा फ्लावर अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे कलर को इस तरह से देखिए फील कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि लीफ को बनाना कितना इजी और सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बेसिक पेंटिंग आपको सिखाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आपको आराम से ये पेंटिंग आ जाएगी। कोई भी इसे देखकर एक बार में सीख जाएगा, इतनी इजी पेंटिंग मैंने आपको बताई है। देखिए ये हमारी जो लीफ है कटिंग तैयार हो गई है, अब हमें इसमें शेड देना बाकी है और आप अपने हिसाब से कोई भी शेड दे सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा शेड बता रही हूँ, आप वो शेड दें। तो वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बना के नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, हमें छोटी सी वीडियो तैयार करनी है ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए पेंटिंग करना और आपको मतलब ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह से डीप करना है हमें, बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह से डीप करना है। ब्रश में थोड़ा सा लोड करना है, हमारा जो ब्लू कलर रहेगा थोड़ा सा लोड करना है और यहाँ से हमें रखना है बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, इस तरह से रखना है और इस तरह से, फिर यहाँ से रखना है इस तरह से, फिर यहाँ से रखना है इस तरह से, फिर यहाँ से रखना है इस तरह से, ठीक है। फिर हम अपने क्या करेंगे, फ्रेम को थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से, घुमाते हुए फिर कलर को थोड़ा सा कलर लेंगे हम इसमें और फिर उसी तरह से इस पर डबल शेड मतलब दोबारा से लगा देंगे ताकि हमारा जो है फिर से वो गीला हो जाए जो हमने ब्लू कलर लगाया है।
पूरा यहाँ तक लाइनिंग रहेगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ रखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह ऊपर साइड का शर्ट देना हमें, देखिए इस तरह से। और ये शर्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और हमारी लीव भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ईजी तरीके से आप एक लीव, आपकी लीव जो है तैयार हो गई है। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो सिंपल सी, मतलब बहुत ही सिंपल सा बेसिक पेंटिंग मैंने आपको बताई है, बहुत ईजिली आप बना पाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं बनाना, आप भी आराम से बना लेंगे। आपको लगे कि थोड़ी लाइनिंग हमारी लाइट आ रही है तो ब्लू कलर थोड़ा सा और ले लें, फिर ब्रश को साफ करें, उसके बाद फ्लावर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब आइए फ्लावर की बारी, चलिए हम आपको फ्लावर भी बना के दिखाते हैं कि किस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर में मैं आपको एक पंखुड़ी करके दिखाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं कि एक पिलो कवर पूरा रेडी करके रखी हूँ और मैं आपको बताने के लिए एक पिलो कवर नहीं की थी, रखी थी ताकि मैं आपको समझा के इसे पेंटिंग करूँ। तो इसकी दो पार्ट में ज़रूर वीडियो बनेगी क्योंकि दो कलर में हमने डिज़ाइन बना रखी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी इस तरह से जो डिजाइन है उसको देखिए, नीचे से हम पूरा शर्ट लाएंगे, ऊपर की तरफ हमारा इस तरह से कुछ शर्ट्स रहेंगे क्योंकि ऊपर हमें व्हाइट कलर का शर्ट देना है। इसके लिए ये हमारा पूरा शर्ट हो गया, ऊपर थोड़ा थोड़ा हमारी जो बारीकी है वो रहेगी इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम ब्रश को वॉश कर लेंगे। देखो हमने ब्रश को वॉश कर लिया, यहाँ पे हमने एक कार्टन कपड़ा अपने पास हमेशा रखती हूँ मैं। देखिए इस तरह से ब्रश को साफ भी कर लेंगे, आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको कोई मतलब डाउट ना रहे कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। और चलिए अब मैं आपको इसमें शेड देखा मतलब बताती हूँ किस तरह से हमें शेड देना है। देखिए हमारा वाइट शेड है, अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से कॉर्नर पे लेना है बिल्कुल, देखिए इस तरह से। तो इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी फ्लावर में कटिंग थी तो उसको पहले हम ऊपर से कटिंग देंगे। ये कटिंग हमारी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारा फ्लावर भी उतना ख़ास जो है नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से लाइटली ड्राई शेड इसमें दे देना है। भरते भरते जो हमारा कलर की आउटलाइनिंग उसको बना, व्हाइट कलर की आउटलाइनिंग बनाते बनाते हमारा कलर जो है जो लाइट ब्लू कलर है वो थोड़ा थोड़ा मतलब सूख गया है, तो अब उसमें हम ड्राई शेड व्हाइट कलर का दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे शेड रहेंगे इस तरह से। देखिए ड्राई शेड हमारे बारीक बारीक से आ रहे हैं, ये डबल मतलब दो कलर में ड्राई शेड हो जाएंगे आपके। और ये वाइट कलर हमें थोड़ा सा यहाँ पे जब हम पूरा पंखुड़ी बनाएंगे तो एक पंखुड़ी आपको और करके दिखानी पड़ेगी ताकि आप पूरा समझ आएगा। इस तरह से हमारा पूरा कलर होगा। और यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये अब हमें अपनी पंखुड़ी ऊपर नीचे दिखाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर लेंगे और इसको यहाँ तक ऐसे फील कर देंगे, ला के मिलाएंगे, लाइनिंग बनाते हुए मिलाएंगे, पूरा हमें एकदम पूरा फील नहीं करना कलर, हमें इस तरह से कलर हमको लगाना है कि हमारे शेड से पता चले। देखिए इस तरह से यहाँ पे यहीं तक रहेगा, जब हम इसको बनाएंगे इस तरह से लाएंगे तो हमारा व्हाइट कलर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये यहीं तक रहेगा और उसके बाद हम व्हाइट कलर से यहाँ पे ड्राई शर्ट दे देंगे। ये हमारा ड्राई शर्ट हो गया, अब इसी के साथ हम आपको
डार्क शेड जो मैं आपको बताई थी यानी कि टर्कस ब्लू कलर, उसका भी शेड दे के बताती हूँ कि उसकी खूबसूरती कहाँ आएगी, मतलब किस तरह से आएगी बताते हैं आपको। ये देखिए ये हमारा कलर है, इसको हमें लेना है। यहाँ पे कलर लगाएंगे और इसके साइड में लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से हल्का हल्का सा हमें डार्क कर देना है, जिससे जिससे हमारे फ्लावर की जैसे खूबसूरती है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से ये भी ड्राई शेड में बारीक बारीक दिखेगा आपको जब आप करेंगे तो, क्या पता मोबाइल में इतना खास ना दिख रहा हो, लेकिन इसको करने के बाद जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी स्टेप बाय स्टेप हर पंखुड़ी बनते जाएगी। ये हमने पिलो को मतलब ये जो हमारी पिलो कवर है इसको मैंने आपको करने के लिए रखा था। ये देखिए मैं आपको जो किया हुआ है वो दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक है, इसको हमने दो कलर में किया हुआ है। इसकी पेंटिंग अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से मतलब बताऊँगी किस तरह से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा सेट है, आपको ऊपर से दिखाऊं तो सारा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए डिज़ाइन हमारी पूरी काफ़ी खूबसूरत और अच्छी सी लग रही है। बेडशीट की डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगने वाली है फ्रेंड्स, तो आप बेडशीट की डिज़ाइन पूरी देखिएगा। और बेडशीट की पूरी डिज़ाइन देखने के लिए आपको चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको हर वीडियो मिले और हर डिज़ाइन मिले मेरी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन। तो आपको हमारी पेंटिंग कैसी लगी, हमारे सिखाने का मतलब आपको बताने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।